हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। 402 कोड वाले बच्चों का जो सवाल है वो ये है। देखिए ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है इंक्लूड फॉन्ट्स अलाइनमेंट बॉर्डर्स बैकग्राउंड फॉर्मेट सेल प्रोटेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। तो इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, हालांकि मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं है। तो ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए गए हैं वो आपको बता देता हूँ, फिर आप आंसर बताने की कोशिश करिएगा। हालांकि इसका आंसर बहुत आसान है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेल स्टाइल, दूसरा ऑप्शन है नंबर स्टाइल, तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ स्टाइल और चौथा ऑप्शन है कैरेक्टर। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले ये ध्यान दीजिए। फॉन्ट्स दिया गया, अलाइनमेंट दिया गया, बॉर्डर्स दिया गया, बैकग्राउंड दिया गया, ठीक है, फॉर्मेट सेल दिया गया, ये सारी चीजें दी गई हैं। और यहाँ से कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं सेल स्टाइल में। तो सेल स्टाइल आपको कहाँ मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आते हैं तो यहाँ पर आपको होम टैब में मिलता है सेल स्टाइल। तो जब आप सेल स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू स्टाइल। तो जब आप न्यू स्टाइल में जाएंगे तो अब देखिएगा क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर है नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर्स, फिल और प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, यानी सेल स्टाइल में दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपका, ये देखिए क्वेश्चन को मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए ये है फॉन्ट्स अलाइनमेंट बॉर्डर्स बैकग्राउंड फॉर्मेट सेल प्रोटेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। तो सेल प्रोटेक्शन है, डॉक्यूमेंट है, फॉन्ट्स है, सब कुछ तो दिया हुआ है यहाँ पे, अलाइनमेंट भी दिया हुआ है, फॉन्ट भी दिया हुआ है, बॉर्डर्स भी दिया हुआ है, सेल प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ फिल नो फिल ये सब सारी चीजें दी गई हैं। और फॉर्मेट पे जाएंगे तो आपको ये सब पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको प्रोटेक्शन भी दिखेगा, अलाइनमेंट भी दिखेगा, फॉन्ट भी दिखेगा, बॉर्डर भी दिखेगा, प्रोटेक्शन भी दिखेगा। तो ये सेल स्टाइल जो है इसी में होता है, ठीक है। तो आई होप की बात क्लियर हो गई होगी और बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेल स्टाइल देना है, ठीक है।